ओके कल था तो फोन करना इसलिए कि हम अभी ऑल पार्टी जो मीटिंग बुलाई हम वहाँ गए थे बोझा था चाहिए और खसर तो बोझा बहुत था उसको डबल मारा बेटा यदि से प्रेस कॉन्फ्रेंस ना दिम बो जो अकाउंट देती है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और एक आला सतह की मीटिंग है प्रॉपर्टी नॉर्मली तो डिमांड करती थी कि बस हम आए और कमेंट करें अपने वो हमने वहाँ किए बट आफ्टर कुछ मैंने देखा मीडिया में भी बाकी चीज भी सो आई थॉट लेट अस पुट आवर पार्टी स्टैंड ऑन द टेबल लेट अस मेक इट वेरी क्लियर व्हाट वी थिंक अबाउट द प्रोसेस वी कैन नॉट ऑफ कोर्स टोटली डाइवर्ज in detail what we said because that is now a property of that region but all we can say that we welcome the meeting it was held after the moment of political upheaval and leadership demands that we look towards the future for a bright tomorrow rather than something in the recent past which we may not achieve we hope हम होप करते हैं कि ये इट स्टार्ट्स अ फेज ऑफ रिकंसिलिएशन बिटवीन दिल्ली एंड श्रीनगर एंड आई कैन टेल यू दैट आफ्टर व्हाट आई रेड आई डोंट थिंक देयर वाज एनी सिंगल लीडर एंड आई एम टॉकिंग ऑफ ऑल दोस पार्टीज ओवर देयर एस्पेशली जो इस मुद्दे की आई थिंक दे ऑल मेड देयर पीपल प्राउड मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जो आप हर्फ लिखते हैं 30-40 साल के बाद वो हिस्ट्री का हिस्सा है ये मेरी इट्स माय हम्बल अटेम्प्ट कि आप अगर कुछ लिखें वो 40 साल बाद जो कोई पढ़े वो सच पढ़े झूठ न पढ़े क्योंकि झूठ का काफ़ी सर्कुलेशन मैंने किया जितने वहाँ लीडरान थे आई थिंक दे मेड देयर पीपल अच्छा बोला जम्मू कश्मीर के हक में बोला इट इज़ बट नेचुरल कोई यहाँ से जम्मू कश्मीर के खिलाफ बोलने तो वहाँ नहीं जाएगा थोड़ा पेन होता है कि कोई किसी लीडर को पूछता है उसने क्या बोला हम लीडर्स को इवन वी हैव टू शो सम डिग्निटी मैंने एक शेर को देखा परसों किसी मीटिंग में वो बोल रहा था वो लग रहा था कि एक ही लीडर ने सब कुछ बोला है बाकी सब बैठे थे नहीं सब ने अच्छा किया इफ आई वाज टू गिव मार्क्स आई वुड गिव इक्वल मार्क्स टू ऑल एज ऑन डेट देयर वर नो विनर्स एंड लूजर्स It's a long process. We have to ensure that Delhi delivers. And we have to make an enabling environment for them to deliver. And that cannot be done by red wave. India is a land of elections. There is an election every 6 months, every 8 months. Let us not buy our rhetoric. Create an environment where delivery becomes difficult. And if delivery becomes difficult or if it is delayed, there is only one loser, and that's the people. स्टेट ऑफ मुझे लगता है कि हमें सीखना चाहिए रेबल राउजिंग से रेटरिकल स्टेटमेंट से मे बी वी आर एबल टू एड्रेस आवर कॉन्स्टिट्यूएंस बट देन पिछले 2 साल में लोग भी आप देखिए कितने की मुश्किल से गुजर रहे हैं सो आई वुड हैव थॉट एज वन ऑफ द पार्टीज वी विल स्ट्राइव टू क्रिएट एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट आपको बात बताऊँ जहाँ तक ये प्रॉपर्टी होती है इस बड़े मीटिंग की वहाँ प्राइम मिनिस्टर थे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे ऑनरेबल होम मिनिस्टर उनने 3 ट्वीट किए ख़त्म किया अनफॉर्चुनेटली हमें ही है डायरिया ऑफ वर्ड कि हम बोले जा रहे हैं वी हैव टू कीप क्वाइट समवेयर मगर एक प्रॉब्लम है कि मैं वहां था मुझे कोई कोट कर रहा है कि लीडर 6 ने बोला कि सजाद साहब ने ऐसा बोला मुझे फोन नहीं कर रहा है ये कौन सा नॉन सेंस दिस डज नॉट मेक सेंस बट एज आई टोल्ड यू आई एज अ कश्मीरी नॉट एज अ पॉलिटिकल लीडर फेल्ट प्राउड ऑफ ऑल द लीडर्स देयर दे स्पोक फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दे रिफ्लेक्टेड द पेन इन अ बेफिटिंग मैनर
मैं एज अ कश्मीरी बोल रहा हूँ, नॉट एज अ पॉलिटिकल लीडर. आई पे माई 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 रिस्पेक्ट टू ऑल द लीडर्स ओवर देयर. बाकी ये ऊपर नीचे का करना, आई डोंट थिंक वी आर इन दैट. जहाँ तक बेग साहब का सवाल है, इमरान साहब ने उसके बारे में बयान दिया है. वी विल नॉट एड इवन अ सिंगल वर्ड टू दैट स्टेटमेंट. वी विल नॉट सब्ट्रैक्ट अ सिंगल वर्ड टू दैट स्टेटमेंट. दैट चैप्टर इज अ क्लोज चैप्टर. Left to me, I would say now, abhi, statehood should be delivered. Not as a matter of charity, but as a matter of time. So this, but ye jo aap timeline bol rahe hain, ye calendar. But are you open to elections before? Meeting. I also saw that thing. Wo unki khayal aata hai. But jab hum meeting mein the, I don't recall any time. But are you open to? I would not link elections and state. देखो मैं यार एक बात आपको बोल रहा हूँ, ये जो बाइकॉट वाइकॉट लोग कुछ बोल रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट स्पीकिंग, ये नए इसमें हमने बाइकॉट 15-20 साल किया. व्हाट इफ इट्स अ ट्रैप टू स्केयर अवे ऑल द गुड पीपल एंड गेट देयर ओन पीपल. लुक एट द अदर पॉइंट ऑफ व्यू. लोग हमारे, हम उनसे जाकर वोट मांगेंगे. अब अगर अपोनेंट्स they create conditions for you not to enter the fray, think of it for a moment, it might be a trap. That's all I can say. I'm not saying it's a trap under any circumstances, but the leadership has to look at both the sides. Just getting up with a knee jerk koi ye aur dusra ek aur cheez, hum ya to ladenge to main bhi ladunga. Aisa kuch nahi hai ki main baakiyon se aham hu ki main nahi ladunga lekin ye log ladenge, because hum sab dekho na ek. I am not more moral than them. I am not superior to them. Agar koi cheez mere liye haram hai, inke liye bhi haram. Ye ek cheez. Sajjan sahab, jo delimitation commission. Yeah, of course. We will go, because these ones, they are carved. Last time it was carved was 95, which was a very... Look, now don't take these views as my views on delimitation. But if I have to comment on the old delimitation, that administrative setup was very bad. It was very, very bad. But this has its own problems. What they do within the regions, are they fair, and is it done in a transparent way across the regions and then within the regions? It has to be fair both across the regions and within the regions. Ye to jahan tak bol rahi hai, you see, you delivery mechanism ke liye, for example, Prime Minister has called an all party. If it continues, I don't know whether it will be. If it continues, it might culminate. So you have an institutional setup there. उसमें तो एज पार्टी हम जाएंगे, बट ऑन ग्राउंड इफ यू आर टेलिंग मी इन टर्म्स ऑफ आवर पॉलिटिकल बैटल एज ऑन डेट नो वी आर नो अलोन.